फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। आप देख सकते हैं आज हमारे जो स्टूडेंट है वो डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रेशर देंगे, लीक टेस्टिंग करेंगे, वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे। तो अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, किस सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने क्या है, यहाँ पे चार्जिंग लाइन वगैरह कनेक्ट कर ली है और अभी हम इस पर प्रेशर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कंप्रेशर स्टार्ट कर दिया है हमने और यहाँ पे देखिए प्रेशर जा रहा है धीरे धीरे। तो हम क्या 150 PSI प्रेशर देंगे। हमारे पास 235 लीटर का रेफ्रिजरेटर है डबल डोर का, तो 150 PSI बहुत है लीकेज को टेस्ट करने के लिए। तो ये 150 PSI आते ही हम होल्ड कर देंगे प्रेशर को। उसके बाद क्या साबुन के सॉफ्ट सॉल्यूशन से, साबुन के झाग से हम क्या लीकेज टेस्ट करेंगे हर जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ पे आपके क्या जॉइंट होंगे। तो अभी हम वेट करेंगे, प्रेशर होल्ड करेंगे और उसके बाद लीकेज टेस्ट करेंगे। सकते हैं क्या सॉफ्ट सॉल्यूशन से आपके लीकेज टेस्ट कर रहे हैं एक एक जॉइंट्स पे, सिर्फ जॉइंटों पे कर रहे हैं, जॉइंटों पे चेक करना है। मेन आपका आपको NRV बॉल पे भी देखना है कि कहीं वहीं से तो टाइट है या नहीं है, क्या पता लूज़ हो, तो उसके कारण भी प्रेशर डाउन हो सकता है। तो हमें पहले वहाँ अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है, आपके प्रेशर गेज की साइड पे भी कर लेना है, मेन पोर्ट की साइड पे भी कर लेना है कि वहाँ से सही है या नहीं है, लीकेज तो नहीं है कहीं, पूरा टाइट है ढंग से या नहीं। तो अब एक एक करके यहाँ बाहर भी अब हम चेक करेंगे लीक टेस्टिंग को और अंदर भी जाके कोयलों पे भी चेक करेंगे कि कहाँ अगर वहाँ पे तो नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं जॉइंटों पे यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कहीं यहाँ तो नहीं है, इस तरीके से लीकेज टेस्ट कर सकते हैं आप अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर कहीं लीकेज तो नहीं है। और प्रेशर हमने दे रखा है 150 PSI। तो अभी हम वेट करेंगे और प्रेशर को भी होल्ड रखेंगे। अगर प्रेशर की निडल किसी कारण से नीचे जाती तो इट्स मीन क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर लीकेज है। तो अभी हम वेट करेंगे ये पूरा सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा के, अगर हमको कहीं लीकेज नहीं भी मिलती है फिर भी हमें वेट करना है प्रेशर डाल करके। तो अभी आप देख सकते हैं हमने क्या अपने जो सिस्टम में जो प्रेशर था कोई लीकेज नहीं मिली थी, तो हमने सारा प्रेशर निकाल दिया। अब हम सिस्टम को वैक्यूम करने जा रहे हैं। वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर किसी भी कारण इसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो आपके रेफ्रिजरेटर सिस्टम में चोकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि क्या आपको फिर लगेगा कि कूलिंग नहीं करा आपका रेफ्रिजरेटर और वो चोकिंग की दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम से आपको ना जूझना पड़े तो उसके लिए आपको प्रॉपर वैक्यूम करके ही गैस चार्जिंग करनी है। तो हमारे पास वैक्यूम पम्प है और हमने अपनी चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर दिया है सिस्टम से और अभी हम वैक्यूम पम्प को स्टार्ट करके वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम जो है हमारा वो -30 inch HG शो करेगा, तो इट्स मीन कि आपका वैक्यूम हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये तुरंत में बिल्कुल नीचे चला जाता है, बट आप देख सकते हैं ये प्रॉपर 30 नहीं गया है। तो हमें पूरा वेट करना है इसको, अभी हमें इसको आधा घंटा प्रॉपर वैक्यूम देना है और उसके बाद फिर क्या थोड़े 10 मिनट के लिए हमें छोड़ना होता है वैक्यूम को बंद करके। अगर नीडल ऊपर जाती है किसी रीज़न से तो इट्स मीन हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। तो अभी हम वैक्यूम करेंगे प्रॉपर आधा घंटा इसको वैक्यूम करके, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा -30 inch HG हो गया है और अभी हम क्या है अपने इसको हैंडल को टाइट करेंगे और वैक्यूम पंप बंद करेंगे और 10 मिनट होल्ड करेंगे वैक्यूम को, देखेंगे कि कहीं हमारा वैक्यूम ब्रेक तो नहीं हुआ है। और अगर हुआ होगा, निडल ऊपर जाएगी अगर वो ज़ीरो की तरफ, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं वैक्यूम है। तो अभी हम इसको बंद करेंगे और वेट करेंगे 10 मिनट तक। और अभी हम 10 मिनट वेट करेंगे। अभी हमने पूरा वेट किया है 10 मिनट, उसके बावजूद भी जो हमारी निडल है वो वैक्यूम में ही है, तो इट्स मीन कि प्रॉपर वैक्यूम हो चुका है, कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। और अभी हम गैस चार्जिंग करेंगे, इसमें R134 से गैस रेफ्रिजरेंट जो हमारी चार्ज होगी। तो ये हमारे पास पूरा कैन है इसका और इसमें 150 ग्राम गैस चार्ज होगी, तो वेइंग स्केल है हमारे पास, हम बाई वेट गैस को चार्ज करेंगे। तो अभी हम इसका वेट नापेंगे, तो आप देख सकते हैं वेट इसका, और अभी हम फिर गैस चार्जिंग करेंगे इसमें बाय वेट। वैक्यूम पंप वाली लाइन को हम चार्जिंग लाइन को निकालेंगे और अपने रेफ्रिजरेंट कैन से है जो वो कनेक्ट करेंगे और फिर रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। अभी हम पहले दोस्तों चार्ज करने से पहले हमें सिस्टम को एयर पर्स ज़रूर करना है।
तो वहाँ से हम पहले अपने कैन को खोलेंगे, ये पोर्ट हमारा बंद ही रहेगा, यहाँ से हम हैंडल बंद रखेंगे, और ये जो चार्जिंग लाइन को हमने जो हटा के वैक्यूम पंप से रेफ्रिजरेंट कैन में डाला है, तो उतने बीच में जो हमारी वो है एयर जो है वो चार्जिंग लाइन में चली गई है, तो उस एयर को हम सिस्टम के अंदर नहीं जाने देंगे, उससे पहले ही एयर पर्स कर लेंगे और उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे। तो हमने पहले अभी वहाँ से कैन से खोल दिया है और यहाँ से हल्का सा लूज़ करके अपनी चार्जिंग लाइन को एयर पर्स करेंगे। तो लूज़ करो और जैसे ही रेफ्रिजरेंट बाहर आने लगेगा तो उसके बाद हम फिर अपनी चार्जिंग लाइन को टाइट कर देंगे। क्या करना? कैन उल्टा करके अभी हमने फिर क्या है, अभी बंद रखेंगे यहाँ से चार्जिंग लाइन को, स्टेप बाय स्टेप करके क्या पूरा चार्ज करके फिर उसको बंद कर देंगे वहाँ से, और जितनी लाइन में ना उतनी ही डालेंगे तो हमेशा परफेक्ट डलेगी, तो अभी हम उतना ही डालेंगे। तो अब यहाँ से खोल दो, करो स्टार्ट। वहाँ से हमने बंद कर दिया अपने कैन को और अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये अब धीरे धीरे नीचे जाएगी, खुद डाउन होगी। आप देख सकते हैं ये अभी इसका स्टैंडिंग प्रेशर शो कर रहा है, तो ये लगभग जब हमारा 100 PSI स्टैंडिंग शो करने लगेगा उसके बाद हम अपना रेफ्रिजरेटर है जो उसको चालू करके देखेंगे, उसके बाद एम्पियर वगैरह नोट करेंगे, देन फिर हम बाई वेट पूरा अपना डाल देंगे। खोलो, इस तरीके से हमने देखा, थोड़ी अब ये चार्जिंग लाइन को पूरा चार्ज करेंगे, अब फिर ये बंद यहाँ से बंद होगा, फिर वहाँ से वो ओपन होगा। तो इस तरीके से कभी भी जो हमारा रेफ्रिजरेंट ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाएगा, और एक तो हमने दोबारा वेटिंग स्केल से नाप रहे हैं, वेइंग स्केल है हमारे पास, तो वेटिंग मशीन से नापेंगे आप तो बहुत बेटर है। तो अभी हमने क्या है अपना जो रेफ्रिजरेटर है उसको स्टार्ट कर दिया है, और अब हम क्या है रनिंग में अब अपना जो भी है देखेंगे और पूरा प्रॉपर गैस डालेंगे धीरे धीरे, ये क्या हमारी जो प्रेशर है ये निडल जो है वो नीचे जाएगी सुई।